देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए देश के कोने कोने में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान देश के कई हिस्सों से पुलिस कर्मियों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं अब पंजाब से घटना सामने आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस घटना में एक एएसआई का हाथ काट देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब के पटियाला में बिना पास के मंडी के अंदर जाने से रोकने पर निहंग सिखों ने पुलिस कर्मियों पर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया है और एक एएसआई का हाथ ही काट कर अलग कर दिया गया। सब्जी मंडी दे विच पटियाले ड्यूटी ते सी मुलाजम नॉर्मल जिहड़ी ड्यूटी हुंदी है जिन्हों पब्लिक नूं मॉनिटर करदे रश ना हो जाए जिहड़ा इस करके उत्थे कोई सवा 6 बजे दे करीब एक वहीकल दे विच जिहदे विच निहंग सिंह सवार सी उन्होंने मंडी बोर्ड वाले ऑफिशियल किसी ने जो मुलाजम ने रोकया भी तुहाडे कोल पास है तां उहदे च उहनूं उही बंदे जा रहे हैं भी इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग दा लग्या होया भी इस करके तुसीं पास दिखाओ इन्ना कहिंदे उन्होंने बैरीकेड दे उत्तों गड्डी लंघा के फिर अगे गेट दे विच जिहड़ी उहदे मंडी दे बोर्ड दे मारी ते उहदे च उदू बाद उहदे चों जदों उन्होंने जदों मुलाजम पुलिस मुलाजमां ने उन्हां नूं करन तों रोकना चाहिया भी ये तुसीं की कर रहे हो तो उतर के उन्होंने हमला करता जिहदे च SHO सदर पटियाला उहदे कूणी ते वज्जी है एक होर मुलाजम दे बाजू ते वज्जी है एक साडे SI है जिहड़े उन्हां दी हथ कट्टिया गया मतलब वक्त हो गया उहदे तों कृपान मारी है जिहड़ी उहदे वक्त हो गया। दरअसल पटियाला सब्जी मंडी के बाहर लगे पुलिस नाके पर पास मांगने को लेकर 4 निहंगों ने पुलिस पर ये हमला किया। पुलिस नाके को अपनी गाड़ी से उन्होंने उड़ा दिया। पुलिस ने गाड़ी घेरी तो तलवारों और धारदार हथियारों से SHO समेत 4 पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपी निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन सब पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है।